हाल में मिल रही रिपोर्ट के हिसाब से भारत में ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक मनीष महेश्वरी से पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने कथित कांग्रेस टूलकिट के मामले में पूछताछ की थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम 31 मई को महेश्वरी से पूछताछ करने के लिए बेंगलुरु में थी। अब ऐसा लग रहा है कि ट्विटर संकट में है। पूरा मामला यह है कि पिछले महीने 18 मई को भाजपा नेता संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने एक टूल किट के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये टूल किट कांग्रेस ने बनाई थी। मकसद था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के द्वारा कोरोना की स्थिति को संभालने को बदनाम करना। संबित पात्रा के द्वारा शेयर की गई इस टूल किट को ट्विटर के द्वारा मैन्युपुलेटेड मीडिया यानी हेरफेर किया हुआ मीडिया लेबल किया गया था। इस मामले में कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा कि कथित टूल किट फर्जी था और उन्होंने वो भाजपा नेताओं जिन्होंने दस्तावेजों के ट्वीट किया था उनके खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR भी दर्ज कराई। ट्विटर के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को मैन्युपुलेटेड मीडिया बताने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें नोटिस भी भेजा गया, वो भी दो बार। जब ट्विटर की तरफ से उन नोटिस का जवाब नहीं मिला तब पुलिस को उनके दिल्ली और गुरुग्राम की ऑफिस में जाकर जवाब लेने की जरूरत पड़ी। वहीं अब खबरें आ रही है कि ट्विटर ऑफिसर्स की उस मुलाकात के ठीक एक हफ्ते बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम ने खुद बेंगलुरु जाकर ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछताछ की थी। वैसे ही उस मामले में ट्विटर के बड़े अधिकारियों से पूछताछ की जा रही थी ऊपर से, और ट्विटर से उनकी कानूनी सुरक्षा छीन ली गई है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि ट्विटर जिन्होंने नए IT नियमों के तहत कुछ जरूरी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है, जिस वजह से अब उनसे उनकी कानूनी सुरक्षा छीन ली गई है। कानूनी सुरक्षा यानी IT नियम की धारा 79 के तहत कोई भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके द्वारा पोस्ट किए गए किसी भी कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं था, उस पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती थी। लेकिन ट्विटर से यह कानूनी सुरक्षा छीन जाने के बाद अब से ट्विटर हर ट्वीट के लिए खुद ही जिम्मेदार होगा। सुरक्षा छीन जाने के बाद ट्विटर का खतरा अभी से दिख रहा है, क्योंकि ट्विटर के खिलाफ पहले से ही एक FIR दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि ये FIR उस मामले में दर्ज हुई है जिसमें UP के गाजीपुर निवासी एक मुस्लिम बुजुर्ग की मारपीट करने के मामले में कुछ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले ट्वीट किए गए थे। अब उन ट्वीट्स को ट्विटर के द्वारा मैन्युपुलेटेड मीडिया नहीं बताया गया, जबकि BJP के एक नेता ने जो टूल किट शेयर की थी उसे तुरंत मैन्युपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया था। जी हाँ, तो अब जब ट्विटर की कानूनी सुरक्षा छीन ली गई है, ट्विटर के खिलाफ FIR हो चुकी है, ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी की पूछताछ की जा रही है, तो अब इन सब बातों से लग रहा है कि ट्विटर इंडिया को कानूनी आदेश का पालन न करने के लिए बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।